नमस्ते, मैं जिंके राजपूत स्वागत करता हूं आपका स्पीकिंग स्कल्पचर सीरीज में। आज जो शिल्प की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर में बना हुआ शिल्प है, जो कि स्थित है महाबलीपुरम में, चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर। महाभारत में कथा आती है, जब पांडव वनवास में होते हैं तो श्री कृष्ण उनको एडवाइस देते हैं कि आप लोग जाओ और भगवानों की तपश्चर्या करो। तो भीम जाते हैं हनुमान जी की तपश्चर्या करने, अर्जुन जाते हैं शिव जी की तपश्चर्या करने। अर्जुन तपश्चर्या करना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन तपश्चर्या में इतने लीन है कि उनको आजू बाजू क्या चल रहा है कुछ पता नहीं हो रहा। वो शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन शिवजी प्रसन्न नहीं हो रहे। एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक वराह माने जंगली सुअर उनके तरफ अटैक कर देता है और उनको मारना चाहता है। मीनवाइल अर्जुन की आंखें खुलती है, वो देखते हैं कि सामने एक जंगली सुअर है, एक वराह है जो मुझे मारना चाहता है। अर्जुन अपना गांडीव उठा लेते हैं और गांडीव उठा के शूट करते हैं और एक ही बाण में वराह को मार गिराते हैं। जब वो वराह मर गया तो वे उसके नजदीक गए, करीब गए, जा करके देखना चाहते थे कि मैंने उसको कैसे मारा है। हाँ भाई, इतना मैं तपश्चर्या कर रहा था लेकिन फिर भी मैं उसको मार पाया। इतने में क्या होता है कि जंगल से कीरत नाम का आदिवासी शिकारी बाहर आता है और बाहर आके वराह के पास आके खड़ा हो जाता है। तो अर्जुन वराह को करीब से देख रहे थे, वो देखते हैं वो वराह के ऊपर एक बाण नहीं है, उसके ऊपर दो बाण लगे हुए हैं। तो अर्जुन थोड़ा शॉक होते, कीरत वहां पे खड़ा है। अर्जुन कीरत से कहते हैं कि किरत, आप अगर चाहो तो ये वराह को ले जा सकते हो, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसे लेके जाओ। तो किरत अर्जुन की तरफ देख के कहता है कि हाँ जरूर लेके जाएंगे, मैंने इसको मार गिराया है तो क्यों ना लेके जाए। अर्जुन कहते हैं कि किरत, आप एक आदिवासी हो, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, आपके सामने मेरी शिक्षा बहुत सर्वोत्तम है, आप इसको नहीं मार गिरा सकते, मैंने ही मेरे विद्या से ये वराह को मार गिराया है। किरत ने बोला कि लेकिन बाण तो मेरा भी लगा है, मैंने ही मार गिराया, आपने बोले एक मरे हुए पशु के ऊपर बाण चलाया है। अर्जुन को सुन के गुस्सा आया। अर्जुन ने किरत से बोला कि आप आदिवासी हो, आपकी विद्या इतनी श्रेष्ठ नहीं है कि मुझे चैलेंज कर सके। तो किरत ने बोला ठीक है, अगर आपको इतना घमंड है, इतना नाज है अपने विद्या पे, तो क्यों ना डिसाइड कर लिया जाए किसकी विद्या श्रेष्ठ है। अर्जुन ने बोला ठीक है। तो दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है, अर्जुन और किरत के बीच। अर्जुन बाण चला रहे किरत के ऊपर, किरत बाण चला रहे अर्जुन के ऊपर, लेकिन कोई पीछे हटने तैयार नहीं है। किरत अर्जुन को हराना स्टार्ट कर देते हैं, इतना बुरी तरीके से हरा दे कि अर्जुन के पास के सारे बाण खत्म हो चुके हैं। तो किरत अर्जुन की तरफ देखते हैं और अर्जुन की तरफ देख करके किरत अर्जुन से कहते हैं कि कुछ बाण चाहिए, बाण दे दूं आपको, और बाण भी उनको देते हैं। किरत के साथ उनके कुछ वहां पे आदिवासी और भाई बहन थे, तो वो देख करके हंसते हैं। अर्जुन को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको और ज्यादा गुस्सा आता है और वो और एक पेड़ उठा करके किरत के ऊपर दे मारता है, लेकिन किरत को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन बहुत ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी वो किरत को नहीं हरा पाते। अब अर्जुन क्या करते हैं, शिवलिंग वहां पे बना देते हैं और शिवलिंग वहां पे बना करके उसके ऊपर भस्म लगा देते हैं। तो जब वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तो सामने जो किरत खड़ा था उसके माथे पे भी भस्म लगाया गया। जब वो फूल चढ़ा रहे थे शिवलिंग के ऊपर तो सामने जो किरत खड़ा था उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए। तो अर्जुन को अपनी गलती रियलाइज हो गई कि जो किरत वो समझ रहे हैं वो किरत नहीं है, वो स्वयं महाराज पिनाक पाणि भगवान शिव है। तो अर्जुन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। अर्जुन कहते हैं कि शिव भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन शिव जी कहते हैं कि अर्जुन ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको चेक कर लिया, आपका भी श्रेष्ठ धनुर्धारी हो और मैं आपको पशुपता अस्त्र देता हूं। यह अस्त्र का उपयोग तभी कीजिएगा जब सामने वाला जो आपका अपोनेंट है, जो आपका शत्रु है, वो इक्वल पावरफुल है, अदरवाइज इसका यूज मत कीजिएगा। अर्जुन बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कथा है किरत अर्जुन की। इसका मैसेज क्या है कि कभी भी अपने विद्या पे घमंड मत करो। आप श्रेष्ठ हो, बिल्कुल हो, लेकिन औरों को वहां पे आप कमजोर मत समझो। डेफिनेटली अगर आप श्रेष्ठ हो तो कोई ना कोई किरत आपके लिए जरूर वेट कर रहा है। आप किसी को ऐसे अंडरएस्टिमेट मत करो। तो हमेशा याद रखना, हर अर्जुन के लिए एक किरत जरूर होता है। कभी भी अपने विद्या पे घमंड मत करना। जैसे भीम ने भी अपने विद्या पे घमंड किया था, उसको अपने शक्ति पे घमंड हो गया था, तो हनुमान जी उससे कहते हैं कि भाई मेरी पूंछ उठा के दिखा। भीम उसकी पूंछ भी उठा नहीं पाते। तो एक घमंड है, अगर आपको आपकी विद्या पे घमंड है तो आप दुनिया में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो इसी पे आधारित एक शिल्प हमारे महाबलीपुरम में बनाया गया है। इस शिल्प में दो कहानियां आती है, एक है गंगा जी के अवतरण की
और दूसरी है अर्जुन की तपश्चर्या, मतलब जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई उसकी। अगर आप महाबलीपुरम जाओ जो पल्लव पीरियड में बना है, और हमारे पल्लव राजा थे जिनका नाम था नरसिंहवर्मन पल्लव, जो महाबली नाम से भी जाने जाते थे, उनके समय शिल्प बनाया गया है। और यही मतलब सिक्स सेंचुरी में एक भारवी नाम के राइटर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है कीरत अर्जुनीय, जो संस्कृत का काव्य है और संस्कृत के जो पंच महाकाव्य है उसमें भी उनको गिना जाता है। तो उसमें भी कीरत अर्जुन का स्टोरी लिया गया है। तो ये शिल्प में अगर आप देखोगे तो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल हाथी आपको यही शिल्प में देखने मिलेगा। अगर आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो बीच में दो स्टोन है, दो पत्थर है बड़े बड़े, वो पत्थरों के ऊपर शिल्प बनाया गया है। दो पत्थर के बीच में ऐसे दिखाया गया है कि गंगा जी अवतरित हो रही है। तो गंगा जी को जब दुनिया में लाया गया था, भगीरथ ने जब उनको प्रसन्न किया था, तो दिक्कत ये थी कि गंगा जी तो दुनिया में जाएगी, पृथ्वी लोक पे आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गंगा जी का फ्लो इतना ज्यादा है कि अपने बहाव से वो पूरे दुनिया को बहा ले जाएगी। तो जब जब दुनिया पे संकट आया, सभी को एक ही भगवान याद आते हैं, वो है स्वयं भगवान शिव। तो शिव जी से अपील की गई कि गंगा जी का फ्लो आप कम कीजिए, आप उनको रेगुलेट कीजिए, इसलिए उनके जटाओ पे गंगा जी अवतरित होती है और बाद में वो पृथ्वी लोक पे आती है। तो वो वहां पे स्टोरी दिखाई गई, नाग देवता वहां पे दिखाई दिए। अगर आप थोड़ा और केयरफुली उसको ऑब्जर्व करो तो कुछ ऋषि मुनि आपको देखने मिल जाएंगे, लायन एनिमल डिफरेंट आपको देखने मिल जाएंगे, जिसमें सिंह है, उसके बाद में हिरण वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे, कुछ पशु पक्षी और भी आपको देखने मिल जाएंगे। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो एक छोटा मंदिर भी वहां पे स्थित है, जो विष्णु जी का मंदिर आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाजू में एक संत ऋषि मुनि बैठे हैं जो अपने कुछ लिख रहे हैं। सामने और भी एक ऋषि मुनि है जिनका फेस टूटा हुआ है, वो अपने डिसाइपल को सेरेमन दे रहे हैं। अगर आप इधर उसके थोड़ा ऊपर देखोगे तो अर्जुन दिखाए गए हैं जो कि योगिक पोस्चर में खड़े तपश्चर्या कर रहे हैं, ऐसा लीन बॉडी आपको देखने मिलेगी, वो अर्जुन है जो कि तपश्चर्या कर रहे हैं। हाथी अगर आप यहाँ का देखोगे तो लाइफ साइज एलिफेंट है और इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल हाथी यहाँ पे दिखाया गया है। हाथियों का ग्रुप है एक्चुअली, और देखा अगर जाएगा तो कुछ बेबी एलिफेंट भी वहां पे दिखाए गए, कुछ बंदर भी दिखाए दिए, जो ये बंदर है वो बंदर तपश्चर्या कर रहा है, ऐसा भी यहाँ पे देखने मिलता है। और एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कल्पचर आता है, एक बिल्ली है जो योगा कर रही है, जो ध्यान कर रही है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कल्पचर यहाँ पे देखने मिलता है, ये एक्चुअली आप लोगों के लिए मैसेज है, जो लोग आप यूपीएससी एमपीएससी करते हो ना, तो आप लोगों के लिए मैसेज है। बिल्ली योगा कर रही है लेकिन उसकी नजर नीचे चूहे खेल रहे हैं, वो चूहों के ऊपर बिल्ली की नजर है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि जो काम आप करते हो वो 100% फोकस से करो, अगर थोड़ा भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो काम में कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जो भी कर रहे हो वो 100% ध्यान लगा के करो, ऐसा हमारा कीरत अर्जुन का स्कल्पचर है। और भी कुछ माइंडनोर यहाँ पे डिटेल्स है। महाबलीपुरम के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कांचीपुरम में स्थित जो कैलाशनाथ टेम्पल है वहां पे भी एक बहुत ही बेहतरीन ये दोनों का स्कल्पचर देखने मिलता है, नोन एज कीरत अर्जुन। तो ऐसा है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन स्कल्पचर कीरत अर्जुन, अर्जुना स्पिनस, या तो आप उसको गंगा अवतरण ऐसा भी कह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं जिंक राजपूत, थैंक यू वेरी मच।